तो गाइज, सर्वे करने से पहले सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो स्टाफ की रीडिंग पढ़ना, वो हमारे अंकुर सर अभी बताने वाले। चलो तो गाइज, ये देखिए अपना ऑटो लेवल निकल रहा है। तो गाइज, अपनी फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है, जो कि है वन। तो हे दोस्तों, जब ये वीडियो शूट किया था मैंने, तो मुझे लगा था कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, लाइक जो भी ऑटो लेवल का ग्राउंड वर्क होगा और उसके बाद ऑफिस वर्क होगा। बट ये वीडियो हो गया बहुत ही लंबा, तो इसको हम तीन पार्ट में कर रहे हैं। जी हाँ, तीन पार्ट। फर्स्ट में ग्राउंड वर्क, यानी कि फील्ड वर्क, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम रीडिंग लेते हैं, ये सब सारा चीज़ जो अभी आप लोग देखेंगे इस ब्लॉग में। और इसके बाद फर्दर ऑफिस वर्क जो है वो दो पार्ट में है। एक है राइज एंड फॉल मेथड और एक है हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो वो आगे के वीडियोज़ में आएंगे, मतलब आगे कुछ दिनों के वीडियोज़ में आएंगे। तो चलिए, बने रहे हमारे इस चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि वीडियो आप तक सीधी पहुंचे। तो चलिए, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग ऑटो लेवल सीखने वाले हैं। ये देखिए, ट्राइपॉड लग चुका है और ये रहा अपना ऑटो लेवल। तो चलिए, इसको निकालते हैं और फिर सारा जो भी ऑपरेशन इसका होता है समझते हैं, ऑन फील्ड और ऑन पेपर ऑफिस वर्क जो होगा वो। तो गाइस, सर्वे करने से पहले सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो स्टाफ की रीडिंग पढ़ना, वो हमारे अंकुर सर अभी बताने वाले। चलिए, ये हमारा टोटल होता है 4 मीटर का स्टाफ, ठीक है। ये हम एसएस को टानेंगे, एक आवाज आएगा, कस के थोड़ा बोल, ठीक है। ये हो गया 2 मीटर का, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हमको और ऊपर लेना है तो फिर एसएस को खोलेंगे, इसको ये ऊपर जाएगा, ये 4 मीटर तक जाता है, ठीक है, 4 मीटर तक का होता है। उसके बाद थोड़ा लाउड बोल, रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। ये जो एक यहाँ तक हो गया 1 मीटर, ये हो गया 0.1 0.1 0.2, और उसके बीच में कैसे होगा 0.1 हो गया। मान लो यहाँ पर रीडिंग हमारा इस जगह पे आ रहा है 0.05, ठीक है, इस जगह पे 0.05 होगा, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, फिर 0.21 0.23 0.24 0.25, ठीक है। ऐसे करते करते 0.3 0.4, ये मीटर में होगा, 0.5, फिर ऐसे करते 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 यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे तो 1.0 हो जाएगा मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा रीडिंग इस जगह पे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, 1.1 नहीं बोलेंगे, 1.05 बोलेंगे इसको, 1.110 यहाँ पे बोलेंगे इसको। और अगर हमारा जस्ट 1 मीटर के बस ऊपर वाला है उसमें आ रहा है तो कितना बोलेंगे इसको, 1.01, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको स्टाफ को पढ़ते हैं। कुल मिला के इसका जो एक काला पट्टी होता है, और या बोले इसका एक वाइट पट्टी होता है, ब्लैक या वाइट, ये इसका एमएम होता है 5 mm, हाँ, और इसका लिस्ट काउंट भी होता है 5 mm स्टाफ का, ठीक है। 0.01 अगर यहाँ पे आएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बता, इस जगह पे आएगा तो 1.6, उसके बाद गिनो, जैसे पढ़ने का ये हो गया यहाँ पे 1.6, 1, 2, 3, 1.63, ठीक है। इधर पे सबसे हमको पहले देखना क्या है कि जहाँ पे रीडिंग आ रहा है, जैसे क्रॉस है यहाँ पे आके कट रहा है, तो हम ऊपर नीचे देख लेंगे, ठीक है। जो हम लोग इसे यहाँ रहेगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा कितना है कितना नहीं है, इसके हिसाब से देख लेंगे कि ये बड़ा पट्टी कहाँ पे है, ये या फिर ऊपर में, सबसे ऊपर से घटा देंगे नीचे, हाँ, से बढ़ा देंगे, जो 1.40 देख ले यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेंगे 1.41 4.42, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रीडिंग, ठीक है। तो हम लोग सीख गए स्टाफ पढ़ना, थैंक यू गुरुजी। चलो तो गाइस, ये देखिए अपना ऑटो लेवल निकल रहा है, जो कि लाइका कंपनी का है। यहाँ पे बढ़िया से सेट करो,
तो अंकुर है हमारा इंस्ट्रूमेंट मास्टर आज। तो गाइस इसको सेट करने के लिए इसके नीचे में एक स्क्रू टाइप रहता है, ये देखिए जिसको घुमा रहा है लड़का, और ये नीचे में इसमें कनेक्ट हो जाता है। ये अच्छा से करना, गिराना मत भाई। स्टाफ लेके आ जाओ। फर्स्ट स्टेशन इधर मार्क करें, इस पर स्टाफ रखेंगे और फिर उससे देखेंगे इसके अंदर रखेंगे इसको। तो पहले तो पूरा खोल लो ना इसको, इतने में शायद आ जाएगा फर्स्ट रीडिंग। एक ही बार खुलिए, हाँ उतने में आ जाना चाहिए। और ऊपर जाएगा पूरा। हाँ तो ये अपना पूरा खुल चुका है, और इधर ये लड़का कर रहा है लेबलिंग बाय फुट स्क्रू। एंड फुट स्क्रू से पहले हम लोग टेंटेटिव कर लेते हैं बाय ट्राइपॉड लेग्स, और उसके बाद जो बचता है इस बबल को सेंटर में लाना रहता है, ये देखिए। तो इसको बाकी फुट स्क्रू का यूज़ करके कर लेते हैं। ऑटो लेवल लेबलिंग भी हो चुका है, तो इसका टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में जो आता है वो लेबलिंग करना ही रहता है, इसमें सेंटरिंग वगैरह नहीं रहता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सामने जो स्टाफ हमारा लगा हुआ है और फर्स्ट रीडिंग अपना लेंगे, और इस देखिए ये टेबल में हम लोग रीडिंग वगैरह फिल करेंगे सब कुछ। तो बने रहें आज के इस ब्लॉग में। और गाइस सबसे पहले देखिए इसके ऊपर जो एक अपना जो ऑटो लेवल है उसके ऊपर में ये लगा रहता है, इसको नाम मेरे को नहीं पता है, क्या बोलते हैं इसको रंकू, ये ऊपर वाला। हाँ अरे चलना, हाँ वो पहले मतलब टेंटेटिव ऊपर से हम लोग अलाइनमेंट कर लेते हैं कि अपना स्टाफ किस जोन में, फिर उसके बाद लेंस से जो अपना रहता है उससे देखते हैं। ये एक तरह से अलाइनमेंट करने के लिए रहता है कि ऊपर से आप देख लीजिए, वहाँ से टेंटेटिव दिख जाता है। हाँ नीचे ये जो है प्लम्ब ऑफ झुलाने के लिए क्लिप लगा रहता है। तो गाइस अपनी फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है जो कि है 1.35। ये हमारे सर्वेयर सर हैं जो कि रीडिंग बिल्कुल सही है जो मैंने देखा था। स्टाफ ऐसे नहीं पकड़ते। कितना बोला तुम लोग? 1.25। ठीक है सर, एकदम सही, एकदम करेक्ट। अब चाहे तो लेंस में झुका के दिखा सकते हैं। चलो लेंस में झुका के दिखा देते हैं। देखिए क्रॉस हेयर के पास वहाँ आ रहा है, क्रॉस हेयर पे दिख रहा है। गाइस अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं थर्ड स्टेशन, जो कि दो स्टेशन पहले हो चुका है सर्वे, ये बन गया अपना तीसरा स्टेशन। आ जाओ स्टाफ लेके आ जाओ। इस पे स्टाफ रखेंगे और देन रीडिंग लेंगे। तो गाइस सबसे बेसिक चीज़ आपको बता दें इसमें कि जब भी हम ये लेवलिंग करते हैं तो जो अपना फर्स्ट रीडिंग होता है वो बैक साइड होता है, और उसके बाद जब तक इंस्ट्रूमेंट का जगह चेंज नहीं होगा तब तक, चेंज पॉइंट जब तक नहीं आएगा तब तक सारा कुछ इंटरमीडिएट साइड होगा। और जैसे इंस्ट्रूमेंट चेंज करने वाले रहेंगे तो उससे पहले का जो रीडिंग होता है वो अपना फोर साइड हो जाता है। लगाओ ना। गाइस अभी अपना तीसरा रीडिंग वहाँ से ले रहा है लोग, देख सकते हो आप। ये इधर स्टाफ मेरा लगा हुआ है, सायन भाई पकड़े हुए हैं। तो ये थर्ड रीडिंग बोला है अभी वो लोग कि है 1.280। तो तीन रीडिंग आ गया, अब हम लोग करेंगे स्टेशन चेंज। तो चलिए आ जाओ स्टेशन चेंज कर। कहाँ सेट करेगा? यहाँ कहाँ सेट करेगा? आगे इधर सेट करेगा। हाँ कॉपी लेते आना ब्रो। हाँ यही लगा ना इकोन हम ट्राइपॉड ले आना। देखो ये ट्राइपॉड है अपना, तीन लेग होते हैं ठीक है। अपना मतलब अपने हिसाब से अपने
हाइट के हिसाब से, मान लो तुम्हारा हाइट छोटा है तुमको दिक्कत होगा ऐसे झुक के देखने या फिर ऐसे ऊंचा कर देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपना देख लेना ठीक है। और ये देख लेना है कि एक लेवल में मतलब ज़्यादा ऐसे वैसे ना हो, सीधा हो इसके लेवल पर ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं ये सीधा है हाँ। इसके बाद मशीन लाते हैं, मशीन के अंदर यहाँ पे एक स्क्रू टाइट करने के लिए होता है ठीक है, और इसमें एक रहता है, इससे ये इसको ऐसे रखते हैं नीचे झुक के हम लोग उस होल को थ्रेड बना रहता है, थ्रेड वहाँ पे कसा जाएगा देख के इसमें टाइट करना है ठीक है। ये टाइट हो गया, नॉर्मल टाइट करना है इसको, इतना हिले ना बस। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है सेंटरिंग करना बबल को, ये बबल है और ये बीच में जो काला वाला है उसके अंदर आना चाहिए। अगर उसके अंदर आ गया तो अपना समझ जाना है कि ये लेवल ग्राउंड का लेवल और इसका लेवल सेम हो गया ठीक है। तो और ये 3 फुट स्क्रू होता है ठीक है, फुट स्क्रू की मदद से हम लोग इसको बीच में करते हैं ठीक है। तो हम लोग इसको बीच में कर लेते हैं, गाइस ये देखिए यहाँ पे अपना बबल सेंटर में लगभग लगभग आ चुका है, थोड़ा सा वो वाला राइट वाला कर ठीक है, रुक जा हाँ कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब देख सकते हो पूरा सेंटर में आ गया अपना बबल भाई, हाँ ये आ गया हाँ सेंटर में आ चुका, सेंटरिंग हो चुका है, हमारा मशीन रीडिंग लेने के लिए तैयार है ठीक है, मतलब लेवल कंप्लीट हो गया है इसका ठीक है। तो अभी अपना स्टेशन पॉइंट चेंज किए हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, पहले वहाँ सेट था, तो अभी अपना एक रीडिंग सेम स्टाफ स्टेशन पे होगा लेकिन इंस्ट्रूमेंट चूंकि चेंज हुआ है तो थोड़ा रीडिंग डिफर करेगा। देखिएगा इसमें एक ट्रायंगल दिखता है ठीक है, ऊपर वाला उससे टेंटेटिव देखेगा कि मेरा स्टाफ जो है वो ट्रायंगल को बराबर मैंने उस लेन में आ गया कि नहीं ठीक है, तो वो हम लोग समझ जाएंगे कि टेंटेटिव मेरा यही है, उसके बाद हम लोग फिर इसमें देखेंगे जो अपने लेन। तो ये वाला जो है अपर वाला ये है फोक्सिंग के लिए, अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा आगे या पीछे करिएगा आपको पता चल जाएगा क्लीन। और इसके अंदर में आप जब रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस हेयर बना रहता है, 3 ठो क्रॉस हेयर रहता है, तो आपको सेंटर वाले का रीडिंग देना है ठीक है, सेंटर वाले का रीडिंग देना है। और गाइस ये जो है ये राइट एंड लेफ्ट करने के लिए और ऊपर और नीचे करने के लिए थोड़ा सा ये दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए, तो दोस्तों अभी 6 नंबर रीडिंग लिया जा रहा है यहाँ से, ये देखिए इधर पे स्टाफ है, और इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे एक दो रीडिंग और जो भी होगा, और क्लोज करने के बाद पूरा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा कैसे हम लोग इसका RL फाइंड करेंगे और जो भी राइज फॉल मेथड यूज़ करेंगे या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ करेंगे, सब कुछ आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि ऐसे सीखने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। गाइस फाइनली अपना फील्ड वर्क हो गया कंप्लीट, लेबलिंग वर्क का, और हमारे आज के इंचार्ज थे अंकुर और बाकी हमारे सारे दोस्त लोग भी थे जो भी ट्रेनीज लोग हैं यहाँ पे। तो गाइस चलिए अब आपको कैलकुलेशन वाला पोर्शन दिखाते हैं ऑफिस में पहुंच के, तो चलो ठीक है बाय बाय।